अभी दिल नशीन है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ शब पे निखार है। आप यहाँ भी आ गए। आप जानते हैं एक दूसरे को, अबान और ये नूर। तुमने बहुत घाटे का सौदा किया। गुले के पेरेंट्स ने आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया कि उसका हाथ ना जल जाए। चलो शाबाश की मिठाई खाओ, चाची चाची लाए हैं। कैसी मिठाई? गुले और मुइस की होने वाली मंगनी की मिठाई। इस गुले का मैं खून पी जाऊंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? वो मामा ने कहा था कि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं ताकि आप अपनी मर्जी से एंगेजमेंट के ड्रेस चूज कर सकें। सादगी से कहते हैं क्या मतलब? आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर्स ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। तकरीब जितनी बड़ी होगी इतने ही थकेंगे आप। यहाँ आ जाओ, वहां कुछ सुनना लो। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझ ट्रस्ट में तुमने बहुत घाटे का सौदा किया। कुल्ले वो लड़की नहीं है जो शादी के बाद किसी भी मर्द को जिंदगी की सच्ची खुशी दे सके। उसको तो बर्नर भी नहीं जलाना आता। गुले के पेरेंट्स ने आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया कि उसका हाथ ना जल जाए। तो ऐसी लड़की से तुम शादी करके कैसे खुश रह सकते हो जो तुम्हारी एक शर्ट तक प्रेस ना कर सके? फॉर गॉड्स, मैंने उसे शर्टें प्रेस नहीं करवानी और ना ही उसे खाना बनवाना। इन सब चीजों के लिए मेरे पास सर्वेंट्स हैं। मुझे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शादी के बाद एक मर्द को अपनी लाइफ पार्टनर से कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तुम तो गुले की दौलत और उसका स्टेटस देख के अभी उससे शादी कर लोगे, तुम्हें बाद में कुछ भी नहीं दे सकेगी, ना मोहब्बत, ना इज्जत और ना ही खिदमत। गुले ने हमेशा अपनी जिंदगी में लाड प्यार और नखरे उठवाए हैं। उस जैसी लड़की कभी भी अपना घर नहीं चला सकती। गुले तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बच्चों को भी लुक आफ्टर कभी भी नहीं करेगी। मामा आपके साथ चल रही है ना? सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। नहीं तुम दोनों जाओ, तुम बड़ी हो गई हो, अपने डिसीजंस को लेना सीखो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल तब्दील होने वाली है ना। मामा आपको पता है ना मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती, प्लीज साथ चले ना, मुझे क्या पता कैसा ड्रेस अच्छा लगेगा। अब तुम अकेली नहीं हो बेटा, मुइज है ना तुम्हारे साथ। मुइज, मुझे उम्मीद है कि हर मामले में तुम गुल की मदद करोगे। जी आंटी, क्यों नहीं। चलो ओके मामा, बाय। खुदा हाफिज़। बेगम साहबा, ये कवन बिठिया भी ना, आपको चाहे बुरा लगे अगर हम कहेंगे जरूर। ये तो थाली में सुराख वाली बात। क्या बात हुई? तो कि इस तरह से अब नहीं चल सकता। सुल्तान भी क्या हुआ? जी वो राना, आप
मुझे बता क्यों नहीं रही कि क्या हुआ है? तो क्यों मुझे समझ नहीं आता ये किस किस्म के लोग हैं। हमें तो हमेशा इनको अपना समझा है ना। और नौरीन भाभी के तंज ताने मैंने हमेशा इसलिए बर्दाश्त किए कि मुझे लगा हालात की वजह से वो बदमिजाज हो गए हैं। लेकिन अब ये कंवर और कोमल, इनके दिल में कहाँ से इतनी कदूरत पैदा हो गई। इनको तो हमेशा मैंने गुल्ले की तरह ही समझा है और यही हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गए हैं। लगता है भाई साहब से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं तौकीर, ऐसा ना करें, उससे बात और बिगड़ेगी। राणा, ये सच है कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप अनगुल नूर की जगह कोई और मोहब्बत ले नहीं सकते। मैं अब भी चुप रहा तो बात जरूर बढ़ जाएगी। तौकीर, नूर, एक बात तो बताओ, ये कबल कैसी लड़की? अच्छी लड़की है, तुम्हारी दोस्त है, तुम नहीं जानते क्या? तुम्हारे साथ कैसी? अच्छी है, मेरी बहन जैसी है। क्यों? नहीं, तुमसे जेलस है क्या? जेलस? मुझसे क्यों जेलस होगी? No, you're too innocent. ये यहाँ भी आ गया? कौन? तुम्हारा बियर्ड सा कजिन। Hi. What a coincidence. Hi. आओ बैठो। नहीं यार, तुम लोग बैठो। I don't want to be in the middle. अरे आओ ना यार, come join us. बैठो ना। By the way, Noor, अबान जिस दिन से तुम्हें मिला है उस दिन से तुम्हारी तारीफ करते थकता ही। प्लीज कम ऑन, डोंट। अरे इट्स ओके, ये अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होगी। अच्छा, क्या कह रहे थे ये? ये कह रहे थे कि नूर एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम लड़की है, जस्ट लाइक एन एंजल। इसका मतलब आप और भी एंजल से मिल चुके हैं। नॉट टू मेनी, लेकिन है एक। क्या हम आपकी एंजल से मिल सकते हैं? ये तुमने किससे क्या कह दी, ये तो अपनी किसी से फीलिंग्स शेयर करता ही नहीं। खैर, तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, क्योंकि इसके बाद तुमने हमारे साथ एंगेजमेंट की शॉपिंग पर भी जाना है। सीरियसली, कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना क्या खाओगे, ये कुछ नहीं बताएगा, मैं खुद ही कुछ लेकर आता हूँ। I'm sorry, मैं आपसे बहुत डरती थी। एक्चुअली मुझे लगता था कि आप हर जगह मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शायद वाकई में कोइंसिडेंस था। आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, मैंने मोइस के घर पे देखी थी। हमारी एंगेजमेंट की फोटोग्राफी भी आप ही करिए। श्योर। आप फ्राइज लेंगे? नहीं, थैंक यू। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि वो मेरे खानदान की खुशियों को तहस नहस कर दे। भाई साहब और भाभी साहिबा, आप लोग काबिल एहतराम हैं मेरे लिए। मैं आपकी बेटियों को गुलनूर जितना तो नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर चाहता हूँ जितना एक चचा अपनी भतीजों को चाहता है। खुदा गवाह है, मैंने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो एक भाई कर सकता है, और हस्ब ताकत करता रहूँगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तौकीर, हमें तुम्हारा एहसान मानने में कोई आर नहीं है और हमें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है।
शिकायत मुझे है भाई साहब, और इसी का गिला करने में आया हूं। खुलकर बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं अभी हूं इस घर में, इस घर का सरबरा। तुम्हें किससे शिकायत है? मैं कोई पंडोरा बॉक्स खोलने नहीं आया हूं, बस ये क्लियर करने आया हूं कि आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन गुलनूर और राणा उससे ज्यादा अजीज तरीन है। मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ना ही किसी को इस बात की इजाजत दूंगा कि वो मेरे खानदान की खुशियों को तहस नहस कर दे। मैं समझता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो बुनियादी पैगाम आप सबको पहुंच गया होगा। तुम फिक्र न करो तौकीर, तुम्हारी गुलराना की और गुलनूर की खुशियां हमें अपनी खुशियों से ज्यादा अजीज हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग गुलनूर की एंगेजमेंट में खुले दिल से और हंसी खुशी शामिल होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शब खैर। शब खैर। हो ही नहीं सकता कि बात कुछ भी ना हो और तौकीर यहां आकर इतनी बड़ी बात कह जाए। नहीं, कुछ तो कुछ हुआ जरूर है। लड़कियों से पूछो और फिर मुझे बताओ कि मामला क्या है। पूछ चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। मुईज और कवल आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, राणा को बुरा लग गया। अब साली बहनोई का मजाक तो चलता रहता है, राणा नाराज हो गई है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी से ज्यादा आपने तो उन्हीं की बात पर यकीन करना है। इसलिए कि मैं तुम लोगों को भी अच्छी तरह जानता हूँ और उन लोगों को भी। बहरहाल, तौकीर ने आज यहाँ आकर जो बात कही है वो हरफे आखिर होना चाहिए। समझ आई? अभी दिल नशीं है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है, अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ शाम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथों अपने मुकद्दर को बर्बाद कर देते हैं। तुम अपने बेटे के साथ घर आ जाओ। इन्हें क्या हुआ? जब देखो गुस्सा दिखाते रहते हैं। बेटा, हर बार यही गलत नहीं होते अबान। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक फैसला किया। क्यों तुमने इतनी अच्छी लड़की को ठुकराया? क्या कह रही हैं? अगर तुम हमारी बात मान लेते तो आज यहाँ मुईज की जगह तुम बैठे होते। सॉरी, कुछ समझा नहीं, अब कहना क्या चाह रही है? अबान, तुम्हारे बाबा ने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया था वो यही तो है। कभी दिल नशी था समा जहाँ जाती हूँ ये वहीं पे आ जाते हैं। अबान,
ये क्या चक्कर? चक्कर चक्कर कुछ नहीं यार, जस्ट अ कोइंसिडेंस। वैसे भी जिस तरह हम लोग मिले उसे मिलना थोड़ी कहते हैं। आबान, अगर तू उसको देख लेना तो तू भी इसी तरह एक्साइटेड हो जाए। तू बहुत लकी है, तूने जिसको चाहा उसे हासिल भी कर लिया। वरना अक्सर औकात जो लोग आपके दिल को अच्छे लगते हैं वो अपने पीछे निशान छोड़ के नहीं जाते, और आप सारी जिंदगी बस उनको ढूंढने में गुजार देते हैं। इसको समझा दो अच्छी तरह कि मैंने इसके लिए लड़की देख ली है, अगर जनाब के पास टाइम हो तो जाकर उससे मिल लें। मैं शादी के नाम पे कोई बिजनेस डील नहीं बनूंगा। मैं जब भी शादी करूंगा अपनी खुशी के लिए करूंगा और अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। बेटा, लेकिन जिस लड़की का जिक्र ये कर रहे हैं उसे देख लेने में क्या हर्ज है? हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी जिद है। मैं ना उस लड़की से मिलूंगा ना ही उसे देखूंगा। सारे तोहफे मेरे कमरे में रखो, आप लोग ये सामान किचन में रखें। अरे भाई बड़ा मजा आया आज रात, बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट मिली, दिल खुश हो गया है आज। बड़ी अच्छी चॉइस है तुम्हारे बेटे की। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी डिप्रेस क्यों हो? दरअसल कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, शुरू शुरू में लड़के को काबू करने के लिए इस तरह का दिखावा, इस तरह की शान शौकत इतना मुतासर करने की कोशिश करते हैं कि लड़का उन्हीं का होके रह जाए, और ये सब मुझे खटक रहा है। भाई फंक्शन में जाने से पहले तुम तो उनकी तारीफें कर रही थी, कितने अच्छे लोग हैं, कितने जबरदस्त पार्टी है ये, और जब वापस आई हो तो तुम्हारा मूड ही बदल गया। मुनीर मैं आपको कह रही हूँ ना, मुइज का इस तरह गुल्लूर के साथ ये दीवानापन, ये सब मुझे परेशान कर रहा है ये सब कुछ। भाई शुरू शुरू में तो ये होता है ना, एक ही तो बेटी है उनकी, और जो कुछ उनके पास है वो सब अपनी बेटी को देंगे, और फिर अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है और तुम डर रही हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से जा रहा है। भाई हद होती है खाता। चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तो चेंज करने जा रहा हूँ, एक कप चाय तो पिला दो मुझे। बनवाती हूँ। और वो हमारा मजनू किधर है? जब से आया है फोन पे है, पागल ही हो गया है। और आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। एक बात कहूँ, तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा तो जी चाह रहा था कि अपने साथ ही ले आऊं। नहीं मोइस, ऐसा तो नहीं बोले। क्यों, क्यों ना करूं? क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे घर छोड़ना होगा तो मुझे रियलाइज होता है कि मुझे मामा बाबा को भी छोड़ना होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे बाबा इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? अच्छा, कैन आई प्रॉमिस यू वन थिंग, शादी के बाद मैं तुम्हें हर रोज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने तुम्हें घर लेके जाया करूँगा। इनफैक्ट एक काम किया करेंगे कि कभी कभार हम लोग वहीं स्टे कर लिया करेंगे, ऐसा तुम्हें एहसास भी नहीं होगा उनसे दूर होने का, राइट? आप कितने अच्छे मोइस। नूर, तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बोले नूर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आप ना कहा करो, इनफैक्ट मुझे तुम कहकर पुकारा करो, हमारे बीच में फासले जितने कम होंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, आज से मैं आपको आप नहीं तुम कहकर बुलाऊंगी। खुश? ऑफ कोर्स। अच्छा एक और बात पूछ सकता हूँ? जी बोले। डू यू लव मी? पता नहीं, अभी तो बहुत कम दिन हुए ना। हाँ वो तो है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल तो है ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे हमेशा खुश रहो। तो नूर इसी का नाम तो मोहब्बत। नहीं उठा रहा ना तुम्हारा फोन, मुझे पहले ही पता था, अब तुम्हें क्यों लिफ्ट करवाएगा वो? ऐसी कोई बात नहीं है, उसका नंबर बिजी जा रहा है, पिछले आधे घंटे से उसका नंबर बिजी जा रहा है। जरूर वो गुले से बातें कर रहा होगा मीठी मीठी, यकीन नहीं है ना तो मिला के देख लो गुले का नंबर। बिजी। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब इस कनेक्शन का क्या करोगी?
कुछ करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो तुम। मुईस मैं बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई आया है। कौन? कमल। कमल इस टाइम पे? गुले वो जो मेरी गोल्ड की रिंग नहीं थी जो तो अकेश चाचू ने मुझे मैट्रिक में पास होने पर दी थी, या वो तुम्हारी पार्टी में कहीं गिर गई है। मैं बस यही कहने आई थी कि सुबह काम वाली आएगी तो उसको बता देना। सुल्तानी भी के हाथ चढ़ गई ना तो उन्होंने वापस भी नहीं करनी मुझे। सुल्तानी भी ऐसी नहीं है, तुम फिक्र मत करो, सुबह इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर नहीं मिली ना तो मैं बाबा को बोलूंगी तुम्हें एक न्यू रिंग दिला देंगे। कितनी प्यारी रिंग है यार, डायमंड की है ना? गुल्ले मुझे भी ऐसी बनवा के दो। इसके लिए तुम्हें एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। चाहे मंगनी करवानी पड़े या तुड़वानी पड़े, एक दिन ऐसी रिंग जरूर होगी मेरे पास। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, तुम आराम कर लो, बहुत देर हो गई है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। भाई साहब आ गए तो बाहर क्यों रोका हुआ है? फौरन अंदर भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कमाल करते हैं, मेरे ऑफिस में आने के लिए आपको किसी इजाजत की जरूरत है? वे घर की बात और है, ये ऑफिस है तुम्हारा, बगैर इजाजत आऊं और कोई मुझे रोक ले क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? भाई साहब जो रोकेगा मैं उसे उसी वक्त नौकरी से फारिग कर दूंगा। भाई साहब यहाँ सब जानते हैं मेरे दिल में आपकी कितनी इज्जत है और क्या मुकाम है। इस ऑफिस में आपको कभी इस किस्म की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीत रहो, खुश रहो। आइए भाई साहब। बताओ ऑफिस कैसे बुलाया? भाई साहब मैंने एक जरूरी काम के सिलसिले में आपको जहमत दी है। ठीक है, क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। जी भाई साहब, दरअसल मुझे कुछ राणा के बारे में आपको बताना था। इस घर से मुझे सिर्फ मेरी माँ निकाल सकती है। क्या बात है, किस बात पे बहस हो रही है? क्या पट्टी पढ़ाई तूने इसे? अबान क्या बात है? कुछ नहीं, इनसे सिर्फ इस घर के और फैक्ट्री के पेपर्स मांगे। आई डोंट नो व्हाई इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहे हो तुम दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ? हैं बोल। क्या यूं सर पे सवार हो गई? क्या काम है? मैं जरूरी कागजात देख रहा हूं। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। तुम और जरूरी बात? बको और जाओ यहां से, दफा हो। आपने डिफेंस वाला प्लॉट भेज दिया क्यों? हाँ भेज दिया, जरूरत थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपकी ऐसी क्या जरूरतें हैं जो दिन ब दिन सारी जायदाद बिकवा रही है? शादी के वक्त मेरे पेरेंट्स ने क्या कुछ मुझे नहीं दिया? जायदाद, घर, दौलत, सारी जायदाद कब और क्यों बिकी आपने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, आइंदा कभी भी मुझसे इस सिलसिले में सवाल जवाब मत करना। यही गलती है मेरी जो मैंने आपसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया। सारी जायदाद, रुपया पैसा आपके हवाले कर दिया सिर्फ इस उम्मीद पे कि आप इसे बढ़ाएंगे, मगर आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब जो ये थोड़ा बहुत बचा है ये मेरे बेटे का है, इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। अच्छा
तो बेगम साहिबा अपनी जायदाद उस निकम्मे के हवाले करना चाहती हैं जो जिंदगी एक मजाक की तरह गुजार रहा है। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? बड़े घराने में उसका रिश्ता देखा, जैस में जमीन जायदाद फैक्ट्री छपानी थी, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी उसने। अगर आप वो रिश्ता सिर्फ जायदाद रुपए पैसे के लिए करवा रहे थे तो अच्छा हुआ, अबान ने इनकार कर दिया। मेरा बेटा कोई पैरासाइट नहीं है जो अपनी बीवी की जायदाद और पैसा दीमक की तरह चाट जाए और उसे खोखला करके छोड़े। दो टके की औरत मुझ में दंस करती है, चार लोग बना दिया इसका। सब सुन लिया, आप परेशान ना हो, आपका बेटा आपके साथ है, मैं खुद पापा से बात करूंगा। नहीं अबार, नहीं, कि मेरा और उनका मामला है, तुम कोई बात नहीं करोगे बेटा। मैं नहीं चाहती तुम बाप बेटा एक दूसरे के सामने आओ। मैं बड़ा हो गया हूं, प्लीज मुझे खुद डिसाइड कर लेने दे कि मुझे क्या करना है। इतनी बड़ी बात और तुम अब बता रहे हो? ये तो हम जानते थे कि गुले नाना बीमार है, लेकिन ये ऑपरेशन वाली बात? दरअसल भाई साहब, राने की ख्वाहिश थी कि गुले को इस मामले की कम से कम भनक पड़े। वो राना से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसकी जरा सी तकलीफ देख के सहम जाती है। ऐसे मामले में अगर हम उसे पहले से बताते तो अभी तक निडाल हो गई होती। लेकिन अब भी तुम लोग यूं अचानक चले जाओगे तब भी तो वो अपसेट होगी ना। बेहतर होता उससे पहले से बता देते तो कम से कम वो अपना जहन बना लेती। हम अभी भी उसे ये नहीं बताएंगे कि हम राना की ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जा रहे हैं। हम ये बताएंगे कि बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, इसमें एक से डेढ़ माह लग जाएगा और जब सारे हालात खुश असलूबी से तय हो जाएंगे तो वापिस आके बताने में कोई हर्ज नहीं होगा। तो खैर, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। तुम्हारे पीछे ये सारे मामला कैसे मैनेज होंगे? भाई साहब, आप और भाभी हैं ना, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। ऐसे ही मौक़ों पे अपने काम आते हैं और उनकी अहमियत का एहसास होता है। मेरी गैर मौजूदगी में आपने ऑफिस के मामलात बाकायदगी से देखा, इनको किसी और के सुपर करने से बेहतर मैं समझता हूँ कि कोई अपना उन्हें देखे। मैं जाते हुए आपको जनरल पावर अटॉर्नी दे दूँगा और जो दो महीने में काम होंगे वो भी समझा जाऊँगा। भाई साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप और भाभी इस बात का ख्याल रखिएगा कि गुले को राना की बीमारी के बारे में ना पता चले। तो फिर हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो। अल्लाह बेहतर करेगा, राना सेहतयाब होकर वापस अपने घर आएगी। शुक्रिया भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो कोई काम है? जी बोलो।
कहिए ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। फिक्र ना करें आप, छोटा सा ही काम है ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। कहो। मुझे इस घर के फैक्ट्री के कागजात चाहिए। क्यों, क्यों चाहिए? मम्मी की चीज है, उन्हीं के पास ही होनी चाहिए। ओ आई सी, तो माँ ने भर कर भेजा है? नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं खुद ये चाहता हूँ। मम्मी की चीजें मम्मी के पास ही नहीं तो बेहतर नहीं है? उन्हीं की चीज है से क्या मुराद तुम्हारी? वो मेरी बीवी है, ये घर ये फैक्ट्री मैं चलाता हूं, तुम्हारा क्या लेना देना कागजात से? लेना देना है? देखिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, मुझे ये कागजात दे दे ताकि तुम सब कुछ बर्बाद कर दो और गले में डुगडुगी की तरह कैमरा डाले घूमते फिरो। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, खुद तो कुछ करता नहीं है, माँ की जायदाद पे नजरें। देखिए आपने जो समझना है ना आप समझे, कागजात तो आपको देने ही पड़ेंगे। दफा हो जाओ यहां से वरना कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा। आप क्यों निकालेंगे मुझे कान पकड़ के घर से बाहर? इस घर से मुझे सिर्फ मेरी माँ निकाल सकती है। क्या बात है, किस बात पे बहस हो रही है? बड़ी बोली बन रही है, क्या पट्टी पढ़ाई तूने इसे? अबान क्या बात है? कुछ नहीं, इनसे सिर्फ इस घर के और फैक्ट्री के पेपर्स मांगे। आई डोंट नो व्हाई इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या साजिश कर रहे हो तुम दोनों माँ बेटे मेरे खिलाफ? हैं? बोल। हैं? छोड़े नहीं आप। कुछ बात करनी है मुझसे? अबान मैं निकाल ना, जाओ। मुझे बात करने दे इनसे। अबान तुम्हें मेरी कसम है, चलो प्लीज चलो ना। तुम्हें बाप के सामने खड़े होने की क्या जरूरत थी? अबान मैंने तुम्हें मना किया था ना मम्मी। लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? पानी सर से गुजर जाएगा और आप रिग्रेट करती रह जाएंगी। आपको ये सब कुछ इस तरीके से खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बेटा मैं इस घर को बिखरने नहीं देना चाहती। मम्मी बिखरी हुई चीज और क्या बिखरेगी? सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हूं ना। कोई फायदा नहीं आपकी कोशिशों का। अगर हमने अब भी बाबा से खुल के बात ना की ना तो आप और मैं दोनों इस घर से बाहर होंगे। मैं उनसे कभी ना लड़ता अगर ये सब कुछ उनका होता। अबान मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम अपने बाबा से इस बारे में अब कोई बात नहीं करोगे, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। आइए ना मॉम। बस मॉम ही आए तुम्हारे पास है? तुम्हारी तो जब से मंगनी हुई है तुम्हें तो मॉम के पास बैठने की फुर्सत ही नहीं। ऐसी बात नहीं है मॉम। क्यों, क्या गलत कह रही हूँ मैं? अब तो तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगता है। चाचा ने शादी के बाद क्या होगा, ऐसा ना हो कि मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें देखने को तरस जाए। क्या हो गया आपको? डोंट यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू, लेकिन आने वाली लड़की वो कैसी होगी, किस मिजाज की होगी, क्या कह सकते हैं? मॉम नूर बहुत अच्छी लड़की है, शी इज वेरी इनोसेंट। ये अभी से कैसे कहा जा सकता है? इकलौती बेटियां बहुत नकचड़ी और बदमिजाज होती हैं। मॉम आप उसके बारे में गलत सोच रही हैं। नूर ना तो नकचड़ी है और ना ही बदमिजाज है। आपको पता है कि उसका सबसे बड़ा खौफ क्या है? अपने पेरेंट्स से जुदा होना। मैंने तो उसे कह दिया कि शादी के बाद वो जब चाहे जाकर अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती है, तब जाकर उसका डर खत्म हो।
इसका तो मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें घर दामाद बनाने के चक्रों में। क्या हो गया आपको? नूर ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बेटा ये बातें डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कही जाती है, और तुम उसको मासूम कह रहे हो, तुम हो मासूम। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम्हारे ससुर का बड़ा कारोबार हो या सास का बड़ा बंगला, हमसे जुदा होकर तुम वहां जाने का सोचना भी मत। आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? पता नहीं, माएं जो होती है ना अपने बेटों के लिए बहुत पोसेसिव होती है, शायद इसीलिए मैं थोड़ी सी वहमी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? ये क्या कह रहे हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, मैं नहीं चाहता कि बात घर की दीवारें भी सुने। बच्चियां नादान है, अगर ये बात उनके कान पे पड़ गई तो हो सकता है कि बेध्यानी में गुलनूर के सामने कुछ कह दें। तौकीर ने खास तौर पे मुझे ताकीद की है कि गुलनूर से इस बात को पोशीदा रखा जाए, और उसके गैर मौजूदगी में घर और गुलनूर का खास ख्याल रखा जाए। उसने कारोबारी मामलात भी आर्जी तौर पे मेरे हवाले किए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। बहुत खूब, तो आखिर उन्हें रिश्तेदारों की कदर हो ही गई। क्या कह रही हो तुम, उन्होंने कब तुम्हारी नाकदरी की है? मेरा ये मतलब नहीं है जहांगीर साहब, मैं कहना चाहती हूँ कि वो पहले भी तो आपको ऑफिस के काम में इन्वॉल्व रख सकते थे, क्या आज था इसमें? ये वक्त इस बहस का नहीं है, जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। खैर आप फिक्र मत कीजिए, घर संभालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। राणा जब वापस लौटेगी तो वो अपना घर देख कर खुद हैरान रह जाएगी। वो सुल्तानी भी है ना, उसने तो वैसे ही सत्यानाश कर रखा है घर का। खैर छोड़े, आप बताएं रवानगी कब है उनकी? बहुत जल्द, मैं जरा कुछ काम है कर लूं। तौकीर ने आज यहाँ आकर जो बात कही है वो हर्फ आखिर होना चाहिए, समझ आई? हर्फ आखिर, खुशफहमी है आपकी। इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, दो घड़ी उसके पास बैठ जाना, मेरी बात चुटकियों में उड़ा दी और चली गई अपने मंगेतर का हाथ पकड़ के घूमने फिरने। जानती हूँ ये वही गुले नूर है जिसने अपने अलावा मेरे बेटे को हर चीज से बेगाना कर दिया है। नूर को मेरी बहुत जरूरत है, उसके वालदैन दूर है उससे। दूर है इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे बच्चे पे कब्जा कर ले। एक बात बोलू, आपको ना फिल्म्स में होना चाहिए था। थैंक यू, मैं आपके मशवरे पे गौर करूंगा। ओह सो स्वीट ऑफ यू। मेरा कोई अपना नहीं, और जो है भी उसे मेरी बात नहीं बता सकता। आप मुझे अपना समझ लीजिए।